कुल 11 मोबाइल बरामद हुआ जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख है, 210 रुपए नगद, 2 घड़ी, 1 मोबाइल का चार्जर और ब्लेड का टुकड़ा बरामद हुआ। एक इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य यह सामने आया कि जो अपराध शैली है वो लंबी दूरी की ट्रेन के अलावा वहाँ वेटिंग रूम और जो भी सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पर ये चोरी करते ही है लगातार। साथ साथ जो गैंग संचालक, जो मेन गैंग का सरगना है रोशन कुमार, जो अभी नहीं पकड़ा गया है, 6 लोग पकड़े गए हैं, 5 अभियुक्त और 1 विधिवृत्त बालक। NBC24, मैं हूँ अजय शर्मा। रेल पुलिस के द्वारा स्पेशल अभियान चलाया गया जिसमें कि 6 मोबाइल स्नेचरों को रेल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, यह लगातार इन चोरों के खिलाफ कंप्लेन आ रही थी कि ट्रेन में आए दिन यात्रियों के मोबाइल को स्नेचिंग किया जा रहा है, जिसके पश्चात स्पेशल अभियान चलाया गया। स्पेशल अभियान चलाने के पश्चात इन 6 चोरों के पास से 11 मोबाइल को बरामद किया गया है और धारदार हथियार भी बरामद किया गया है, जिससे यह रेल में जाकर के यात्रियों को पैकेट के काट करके स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया करते थे। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं रेल SP अमृतेंदु शेखर ठाकुर, जरा देखें। कल 24 तारीख को सुबह में लगभग 8 बजे विशेष चेकिंग अभियान जो चलाया जा रहा था, पुलिस अवर निरीक्षक मोनू राजा थानाध्यक्ष राजेंद्र नगर के नेतृत्व में, जिसमें कि पुवनी हरिवंश सिंह, सिपाही सुजीत कुमार, साजन कुमार और बबलू कुमार थे शामिल, तो ये लोग लगातार चेकिंग कर रहे थे जो राजेंद्र नगर, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इन लोगों को देखकर 2 व्यक्ति भागने लगे। तब उन 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, तो उसमें से एक शाहनवाज खान जो पटना का रहने वाला है और मोहम्मद सुल्तान जो कि पूर्वी चंपारण का रहने वाला है, उन लोगों के पास से एक एक मोबाइल बरामद हुआ। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये चोरी का मोबाइल है यात्रियों का, और एक ये सक्रिय गैंग के सदस्य हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड गैंग के सदस्य हैं ये। तो उनके निशानदेही पे बगल के एक होटल से जब छापारी की गई तो वहाँ से 4 लोगों को पकड़ा गया, और उस वहाँ से पहले 2 लोगों को पकड़ा गया जिसमें कि मौसम राज और श्रवण कुमार, मौसम राज रहने वाले हैं नालंदा के और श्रवण कुमार रहने वाले हैं गया के। तो इन 4 लोगों से जब सघनता से पूछताछ की गई, तीन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लगातार लंबी दूरी की ट्रेन में वेटिंग रूम से और जहाँ भी मौका मिलता है तो यात्रियों का मोबाइल ये चोरी कर लेते हैं। अभी भी इनके 2 गैंग के सदस्य एक अभी निकले हुए हैं जो वेटिंग रूम में और जहाँ तहाँ राजेंद्र नगर स्टेशन पर चोरी करने के लिए गए हुए हैं। उसमें जब फिर निशानदेही पे उनका छापारी किया गया तो कुंदन कुमार मिश्रा को पकड़ा गया और 1 विधिवृत्त बालक को पकड़ा गया। उन सभी लोगों के पास से कुल 11 मोबाइल बरामद हुआ जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख है, 210 रुपये नगद, 2 घड़ी, 1 मोबाइल का चार्जर और ब्लेड का टुकड़ा बरामद हुआ। एक इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य यह सामने आया कि जो अपराध शैली है वो लंबी दूरी की ट्रेन के अलावा वहाँ वेटिंग रूम और जो भी सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पर ये चोरी करते ही है लगातार। साथ साथ जो गैंग संचालक, जो मेन गैंग का सरगना है रोशन कुमार, जो अभी नहीं पकड़ा गया है, 6 लोग पकड़े गए हैं, 5 अभियुक्त और 1 विधिवृत्त बालक, और 6वां 7वां जो गैंग संचालक रोशन कुमार है जो पहले भी राजेंद्र नगर से ही जेल जा चुका है पिछले साल, इसके द्वारा लोगों को इम्प्लॉय किया जाता है और 1000 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। तो यह एक प्रोफेशनली मैनेज्ड गैंग का खुलासा हुआ है जो अंतर्राज्यीय गैंग है और इनके सदस्य को 6 को पकड़ लिया गया है, और साथ में जो मेन सरगना है रोशन कुमार उनको पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्दी वो पकड़े जाएंगे। ब्लेड का क्या करते थे? ये ब्लेड के जो यात्रियों का जो ब्रीफकेस है या जो बैग है उसमें वो चला के और उसमें सामान चोरी कर लेते थे। ये लोग जो गिरोह के सदस्य जो ये चोरी की घटना को अंजाम, इनका जो पता चला है कि जो मोबाइल है वो मालदा में भेजते थे और वहां से बांग्लादेश जाने की बात इन लोगों ने बताई है। मुख्य सरगना रोशन कुमार है जिनका आपराधिक इतिहास पाया गया है, पिछले वर्ष वो जेल गए हैं राजेंद्र नगर से ही। कहां के रहने वाले हैं? अभी रोशन कुमार का आ रहा है, रोशन कुमार बिहार के ही रहने वाले हैं, अभी अनुसंधान के क्रम में उनका किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि रेल SP अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने साफ तरीके से कहा है कि रोशन कुमार इसका मास्टरमाइंड है और सरगना है, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है। इसके सरगना में 6 लोग शामिल थे और हर एक दिन का 1000 रुपया भत्ता रोशन अपने इन शागिर्दों को दिया करता था और इनसे स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। रोशन को पकड़ने के लिए रेल SP अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने साफ तरीके से बताया है कि लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द से जल्द पकड़ने का दावा किया जा रहा है। 9 में से छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।